हम अपना स्वच्छ भारत जो है इसमें अभियान चल रहा है जी। और हम लोग सफाई ये जो करके दिखा रहे हैं ताकि लोग देखें और लोग सफाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान। आज हमारे सहयोगी कमल को मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने का प्रयास करते मिले जौनपुर जिला में मछली शहर के बीजेपी कार्यकर्ता। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह साफ सफाई का कार्य लोग कर रहे हैं। ये कार्य हर जगह रोज हो तो देश की बात ही कुछ अलग बने। यहाँ मछली शहर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनीता रावत, रवि पटवा, जिला उपाध्यक्ष आशा मौर्य और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बस अड्डा पर सफाई की और जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया कि भारत को स्वच्छ रखने में हर संभव कर्म करें। लिए प्रस्ताव जितने भी प्रत्याशी, सबसे दावेदार प्रत्याशी और पिछली बार जिन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था, जैसे अनीता रावत जी यहाँ पे आज उपस्थित हैं और सफाई के कार्य देख रही हैं। आइए हम लोग रवि पटवा मैम से जो है कुछ बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे नए भजयू के मंडल अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। मैम कैसी हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है। क्या सुबह सुबह सफाई करके क्या संदेश देना चाह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छता का अभियान चल रहा है जी। और हर जगह स्वच्छ होना चाहिए तभी हम स्वच्छ होंगे। शरीर मेरा स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा। इसलिए माननीय मोदी जी का कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि हर जगह स्वच्छता हो और स्वच्छ रहने के लिए शुरुआत करनी चाहिए किसी काम की। आज हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम लोगों को देख के सारे लोग अपने घर, दरवाजे, मंदिर में जो भी है सबको स्वच्छ रखें। बहुत अच्छी बात कही मैम ने। भाई स्वच्छ समाज हमारा चाहिए। स्वच्छ समाज जब तक लोग स्वयं से प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक हमें स्वच्छ समाज नहीं मिलने वाला है। और मैम लगातार प्रयास करती रहती हैं, एक अच्छी समाज सेविका भी हैं आप, और हमेशा आप समाज में सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है। जिसकी जरूरत होती है मैम लगातार उस कार्य को कर रही हैं। देखिए अभी सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। आप देख रहे हैं कई तरीके की बीमारियां समाज में फैली हुई हैं और उन सबका निदान आपकी सफाई से ही हो सकता है। और मैम यहाँ पे सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि हमारा स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो और एक अखंड भारत हो। आइए यहाँ पे हमारे युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष जी भी हैं। कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? रवि पटवा, मंडल युवा मोर्चा। रवि पटवा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को पूरा करने के लिए, कैसा फील कर रहे हैं? सभी से अपील है, सभी जनता से अपील है, जहाँ गंदगी हो अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में, हर जगह सफाई अभियान हमेशा चलाते रहें, खुद साफ रहें, खुद दूसरों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए यहाँ पे हमारे जो है एक वार्ड की महिला मेंबर भी हैं, मातृशक्ति भी है हमारी, बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? आशा मौर्य, जिला उपाध्यक्ष, चौथा वार्ड की सभासद। चलिए बहुत अच्छी बात मैम, ये सफाई देकर अभी क्या संदेश देना चाह रही हैं आप मछली शहरवासियों को, समस्त नगर वासियों, समस्त भारतवासियों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? हम अपना स्वच्छ भारत जो है इसमें अभियान चल रहा है जी। और हम लोग सफाई ये जो करके दिखा रहे हैं ताकि लोग देखें और लोग सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जो इस समय बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, डेंगू है, मलेरिया वगैरह है, सारा चीज़ है, ताकि जो है साफ सफाई से सब कुछ स्वच्छ रहे और अच्छा रहे। ये विजन तो मोदी जी का, जब से मोदी जी आए हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बने तब से ये विजन उनका रहा है जी, जी, जी। तो क्या ये सफाई कार्य आज ही चल रहा है? नहीं, नहीं, हमेशा चलता नहीं, नहीं, हमेशा चलता है, हमेशा चलता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सफाई अभियान में सभी लोग जुटे हुए हैं, बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं इसमें। और मैं चाहता हूँ कि समस्त देशवासी इस मोदी जी के इस विजन को पूरा करने में उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारा भारत जब स्वच्छ होगा, समृद्ध होगा, तभी सब कुछ संभव है, तभी हमारा भारत आगे चल के विश्वगुरु बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो घरों और फतरियों से निकला कचरा देश की गंभीर समस्या बन चुका है। भारत में प्रतिदिन के आधार पर प्रतिवर्ष 62 अरब टन सार्वजनिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है। अनुमानों के अनुसार 90% भारतीय शहरों में जहां कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था है वहां कचरे का निपटान भराव क्षेत्र में किया जाता है। ये भराव क्षेत्र निर्धारित स्वच्छता मानदंडों के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। अगर यही स्थिति रही तो ये दर्शाता है कि वर्ष 2047 तक भारत एक वर्ष में 260 अरब टन कचरे का उत्पादन करेगा। इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई रखें।
कचरे को कम इकट्ठा करने में मदद करें। प्लास्टिक की जगह कपड़े के ठेले का इस्तेमाल करें।